हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 22वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मैनुअल स्टेबलाइजर में जो पीसीबी लगता है, यानी जो किट लगता है, उसका कनेक्शन आप रिले और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ कैसे करेंगे, पीसीबी अपना काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में सीखने जानने को मिलेगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो पूर्णतः प्रैक्टिकल के ऊपर आधारित है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो किसी भी तरह का ऑटो कट स्टेबलाइजर है उसके अंदर रिले, पीसीबी और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका कनेक्शन आप बिल्कुल ही आसानी से कर पाएंगे। चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ये तीन प्रकार की अलग अलग पीसीबी है जो कि मैनुअल स्टेबलाइजरों के अंदर लगाई जाती है। यह सबसे छोटी वाली पीसीबी जो कि छोटे आकार के स्टेबलाइजरों में ऑटो कट के लिए लगाया जाता है। यह उससे थोड़ा सा बड़ा है, यह भी छोटे प्रकार के स्टेबलाइजरों में ही लगाया जाता है, जो कि 18 वोल्ट की ये पीसीबी है। 18 वोल्ट का मतलब हमारा जो रिले है वह भी 18 वोल्ट का ही होगा और जो पीसीबी है वह भी 18 वोल्ट की ही होगी। यहाँ पर एक बड़ा सा पीसीबी आप देख रहे हैं, यह 24 वोल्ट की पीसीबी है और इसका इस्तेमाल 1 KVA, 2 KVA, 5 KVA, 8 KVA, 10 KVA कोई भी आपका स्टेबलाइजर हो, यह पीसीबी आसानी से सभी में फिट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये पीसीबी क्या काम करता है। अब ये पीसीबी जो होता है हमारे स्टेबलाइजर में ऑटो कट सुविधा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन ऑटो कट सुविधा प्रदान करने के लिए यह पीसीबी अकेले नहीं काम करता है। इसके लिए जो है एक ट्रांसफार्मर लगता है जिसे हम 909 का ट्रांसफार्मर कहते हैं और उसके बाद ये रिले लगता है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिले के बारे में पूरा विस्तारपूर्वक बता रखा है। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ट्रांसफार्मर हो गया और ये जो है पीसीबी हो गया, चाहे तीनों में से कोई भी पीसीबी हो गया। होता क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है कि 220 वोल्ट सप्लाई लेता है, यहाँ से यह 220 वोल्ट सप्लाई लेगा। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें जो है 220 वोल्ट, 240, 250 जो भी वोल्टेज होता है हम हाई वोल्टेज इसमें देते हैं, इधर से ये जो है कि लो वोल्टेज निकाल लेता है। अब इसमें देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे समझ में आता है कि कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी है, तो आप इनका रजिस्टेंस वैल्यू चेक करके पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। प्राइमरी में रजिस्टेंस का मान, यानी ये प्राइमरी है तो यदि आप इनके बीच रजिस्टेंस चेक करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस का मान बहुत हाई बताएगा और इसका जो रेजिस्टेंस का मान है वो कम बताएगा। या फिर आप इसको सीरीज बोर्ड से भी आसानी से चेक कर सकते हैं, इधर और इधर आप चेक करेंगे तो बल्ब का प्रकाश थोड़ा कम जलेगा और इधर इधर चेक करेंगे तो बल्ब का प्रकाश थोड़ा ज़्यादा जलेगा। यानी जिधर ज़्यादा जल रहा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग, जिधर कम जल रहा है वो प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। तो ये 909 ट्रांसफार्मर आप समझ गए होंगे। तो इधर से हम क्या करते हैं कि इधर से हम 220, 240 वोल्ट इसको हाई वोल्टेज देते हैं और यह क्या करता है, इधर से 18 वोल्ट निकाल करके ये दोनों पीले वाले तार से हमको दे देता है। अब यह जो 18 वोल्ट या 20 वोल्ट जो भी इधर सप्लाई आई रहेगी वह सप्लाई जो है एसी सप्लाई होती है, यानी कि इधर से एसी इसके अंदर इन हुआ तो इधर से निकलता भी एसी सप्लाई है, जबकि हमारे इस रिले को चाहिए क्या, डीसी सप्लाई चाहिए। जो भी है 24 वोल्ट है तो ज़रूरी नहीं कि 24 वोल्ट रहेगा तभी ये चल पाएगा, 24 से कम भी रहेगा तो चल जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा पंखा होता है 220 वोल्ट पर ठीक ठाक चलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 220 वोल्ट ही रहे तभी चलेगा, 220 से थोड़ा कम ज़्यादा भी रहेगा तो वो चल जाता है। उसी तरीके से ये 24 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 23 वोल्ट भी रहेगा, 20 वोल्ट भी रहेगा तब भी हमारा ये चल जाएगा, लेकिन डीसी चाहिए। यहाँ से क्या आ रहा है, एसी आ रहा है और हमको इस रिले को क्या देना है, डीसी देना है। तो हमें इस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई बनाने के लिए इन पीसीबी का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे आप ये वाला लें, चाहे ये कोई भी लें, यह तीनों प्रकार की पीसीबी एक ही काम करती है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करती है। और एक और भी काम करती है, जो ये एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम इन दोनों तारों को इसके अंदर मान लेते हैं कि जोड़ दिए, तो इधर से जो भी ये सप्लाई
आउट करेगा तो वह तुरंत आउट नहीं करता है, उसके लिए हम इसमें एक वोल्टेज रेंज सेट कर सकते हैं, और सेटिंग करने के लिए इसमें एक प्रीसेट दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चीज़ दिया गया है, इसको ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको प्रीसेट बोला जाता है, और ये प्रीसेट आप देखेंगे तो इसमें भी है कुछ इस तरीके का, इसके अंदर है और इसमें भी वही प्रीसेट आप देख सकते हैं। तो ये जो है प्रीसेट होता है, और प्रीसेट के द्वारा हम यह सेट करते हैं कि हमको इधर के तरफ, यानी कि जो हमने इसमें 18 वोल्ट सप्लाई इन किया था एसी वोल्ट, इधर से डीसी वोल्ट कब चाहिए, 220 वोल्ट इधर हो जाए, यानी कि इस जो ट्रांसफार्मर में दिया गया वोल्टेज है 220 हो जाए तब हमको इधर डीसी चाहिए, या 240 हो जाए तब हमको चाहिए, या 230 हो जाए तब चाहिए, यानी हमको अधिकतम आउटपुट कितना चाहिए स्टेबलाइजर से, उतने पर ही हम इसको सेट कर देते हैं। हम ज़्यादातर इसके सेटिंग के लिए 240 का विकल्प सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम जब भी इसमें 240 वोल्ट देंगे तब जो है इधर से यह डीसी सप्लाई निकाल देगा। कोई भी किट हो, इसको हमने एसी दिया तो जब तक यह 240 से नीचे सप्लाई रहेगा तब तक इसमें डीसी तो ये बना करके रखा रहेगा, लेकिन देता नहीं है। देगा कब, जब जो है कि 240 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज होगा तो तुरंत जो है इधर से वह सप्लाई बाहर के तरफ निकाल देगा, यानी कि यह जो पीसीबी एसी सप्लाई लिया था उसको डीसी बना करके निकाल देगा, और निकालने के बाद उसको भेजेगा कहाँ पर, हमारे इस रिले पर भेज देगा, जिससे कि रिले जो है कि ऑन होकर के ऑटो कट का सुविधा प्रदान कर देता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमारा पीसीबी जो है काम करता है, लेकिन इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। अभी तक हमने यह समझा कि इसको हम क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, यह निकालेगा क्या, डीसी सप्लाई निकालेगा। लेकिन जो हम एसी देते हैं इसको लगातार एसी मिलता रहता है, लेकिन ये जो डीसी सप्लाई दे रहा है वह लगातार नहीं देगा। वह कब देता है, जब हमारा इस ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज का मान 240 से ऊपर जाने लगता है तब जो है कि यहाँ पर ये सप्लाई देगा। ये 240 या 230 जो भी वोल्टेज होता है हम यहाँ से उसकी सेटिंग करते हैं, ये जो हमारा प्रीसेट है इसी से सेट करते हैं कि 230 पर आपको यहाँ से आउटपुट चाहिए, या फिर 240 हो जाए तब यहाँ से आउटपुट चाहिए। तो वो सारा सिस्टम जो है कि हम इस प्रीसेट से सेट करते हैं, चाहे वो छोटे वाले किट हो चाहे वो बड़े वाले किट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है कि इसका कनेक्शन की बात कर लेते हैं कि इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं। अब कनेक्शन तीनों में जो है आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आपको समझना है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए, इसमें टोटल अभी तक हमने समझा कि चार तार ही जोड़े जाने हैं, दो तार हमारा इस छोटे वाले ट्रांसफार्मर का और दो तार हमारे इस रिले का जो क्वायल है, क्वायल वाला जो ये तार है इसका जो है कि दो तार जोड़ा जाएगा। इधर से दो तार जो जोड़ा जाएगा वो एसी सप्लाई होगी 18 वोल्ट या 20 वोल्ट जो भी होता है, इधर से वो आएगा। अब इधर से ये निकाल करके हमको इधर 18 या 20 वोल्ट ही सप्लाई मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो सप्लाई जो है डीसी सप्लाई मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए हमारा ये पीसीबी इस्तेमाल किया जाता है, और इस पीसीबी में हम टोटल चार तार जोड़ते हैं। अब हम यह सीखेंगे कि ये चारों तार जो है, चारों तारों में से दो जो ट्रांसफार्मर के तार है, इस छोटे वाले पीसीबी में कहां पर जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, कहीं कुछ लिखा नहीं है। बड़े वाले किट में अक्सर वो चीज़ें लिखी रहती हैं, आप देख करके आसानी से उसका कनेक्शन कर लेंगे। लेकिन हमारे समझाने का अर्थ यह है कि यदि आपको कुछ ऐसा भी पीसीबी मिल जाए जिस पर लिखा न हो, तब भी आप इसका कनेक्शन किस जगह पर करेंगे उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर एक डायोड लगा हुआ है, डायोड के आगे के तरफ एक सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, एक काला वाला हिस्सा होता है। तो ट्रांसफार्मर का हमारे पास ये दो तार है, तो इन दोनों तारों में से कोई भी एक तार हम लेंगे और उस तार को हम इस जो डायोड है, डायोड के काले वाले हिस्से के तरफ हम इसको जोड़ देंगे, चाहे वो ये वाला तार हो चाहे वो ये वाला तार हो, किसी भी एक तार को हम डायोड के काले वाले हिस्से पर जोड़ेंगे, और ये जो दूसरा वाला तार है उसको समझना है कि वो कहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो एक अर्थ वाली पट्टी होती है, ये जो
आप देख रहे हैं, उभरा हुआ जो आप देख रहे हैं जिसमें ये चमक रहा है, ये एक प्रकार की अंदर से पट्टी है, यानी वो तार है, कनेक्शन किया गया है। तो जो इसमें लंबी पट्टी है, लंबी पट्टी कहने का मतलब ये है कि उस पट्टी के द्वारा हमारा ये जो कैपेसिटर है इनका एक एक टर्मिनल उसमें जोड़ा गया होगा, और इसका जो प्रीसेट है, ये वाला जो प्रीसेट आप देख रहे हैं, इस प्रीसेट का भी एक तार उसमें जोड़ा गया होगा। तो ये चीज़ जो होता है ये अर्थ वाला पट्टी कहलाता है, यानी कि हमारा ये जो तार है, एक तार हमारा अर्थ पर जोड़ा जाएगा और दूसरा वाला जो तार है हमारे डायोड के काले वाले हिस्से के तरफ ये जोड़ा जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये दो तार इसमें जुड़ गया। अब जो है दो तार हमारे रिले के तरफ जाएंगे, यानी कि रिले के तार इन दोनों पर जा कर के जुड़ेंगे। तो वो दोनों तार कहाँ से आते हैं उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर अभी जो है डायोड के पीछे के तरफ हमने एक तार इस ट्रांसफार्मर का जोड़ा था, लेकिन अब आगे से एक तार निकाला जाएगा यहाँ, मतलब जो सफ़ेद वाली जो पट्टी है इसमें डायोड में, वहाँ से एक तार निकाला जाएगा और वो तार सीधे सीधे हमारे इस रिले के किसी एक टर्मिनल पर जा कर के जोड़ दिया जाएगा। एक तो हो गया इसका, दूसरा वाला तार अब कहाँ से लेंगे, तो इसमें एक आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक ट्रांजिस्टर दिखेगा, BC547748 का होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं BC548B लिखा हुआ है। तो ये जो ये ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर में तीन लेग दिखाई दे रहा है, तीन तार दिखाई दे रहे हैं। तीनों तारों में से इधर वाला तार जो है राइट साइड में होता है, एक बीच में है और एक लेफ्ट साइड में है, यानी कि ये जो प्रिंट वाला हिस्सा है अपने तरफ रखिएगा, और अपने तरफ रखने के बाद जो लेफ्ट साइड में जो टर्मिनल आ रहा है उसको कलेक्टर बोला जाता है, और उसी कलेक्टर पर एक तार जोड़ा जाता है, यानी कि वो कलेक्टर तार यहाँ पर आया हुआ है, ये वाला तार है, ये वाला, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये वाला जो तार है वो कलेक्टर का है। यहाँ पर जो है डायोड का जो सफ़ेद वाला पट्टी था, यानी प्लस वाला पॉइंट था, वहाँ पर ये जो है कि जुड़ा हुआ है। तो दोनों तार यहाँ से अब निकलेंगे और वो सीधे सीधे चले जाएंगे हमारे रिले के इन दोनों टर्मिनलों पर। तो अभी आपने समझा कि यहाँ पर दो तार इनपुट और दो तार आउटपुट जो है कि कहाँ पर होते हैं। इनपुट के लिए हम अर्थ और डायोड का काला वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, आउटपुट के लिए हम ये ट्रांजिस्टर का लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल और हमारे डायोड का ये जो सफ़ेद वाला टर्मिनल है उसका हम इस्तेमाल करेंगे इस रिले के लिए। तो अभी तो ये हमारे छोटे वाले किट का आपने कनेक्शन समझा, उसके बाद थोड़ा सा बड़े वाले के लिए समझ लेते हैं, इससे जो थोड़ा सा बड़ा आता है उसमें हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो जब भी इससे यदि बड़ा वाला आ जाएगा किट, तो समझ लीजिएगा उस पर अब लिखा हुआ आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है SUP, यानी कि सप्लाई है, सप्लाई का मतलब इसके अंदर इनपुट किया जा रहा है, और इनपुट जो है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं SUP यानी सप्लाई है। ये दोनों टर्मिनल जो है सप्लाई, यानी कि हमारे इस ट्रांसफार्मर का जो दो तार है, इन दोनों तारों को हम इस पर सप्लाई वाले पर जोड़ देंगे, और उसके बाद ये जो है RL लिखा होगा, यानी इधर RL लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से जो दो टर्मिनल निकलेगा, ये वाला जो दो रेड और एक जो है कि येलो कलर का आप देख रहे हैं, तो ये जो दोनों है यहाँ से निकल करके रिले पर चला जाएगा, यानी इसमें DC वाला सप्लाई निकलता है। तो ये तो हो गया दोनों छोटे छोटे आपके जो PCB थे उनका कनेक्शन। अब हम थोड़ा सा सबसे बड़ा वाला, यानी कि यदि आप बड़े वाले स्टेबलाइजर को बनाएंगे तो उसके लिए आप यही वाला PCB इस्तेमाल करेंगे। यह सभी प्रकार के स्टेबलाइजरों में फिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं TT लिखा हुआ है, यानी ट्रांसफार्मर का दोनों तार जो है कि यहीं पर जा कर के लगेगा। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर के ट्रांसफार्मर का दोनों तार, और उसके बाद इधर जो है कि RR लिखा गया है। RR लिखने का मतलब ये है कि यहाँ से दो तार निकलेगा और रिले के इस वाले दोनों टर्मिनलों पर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉयल वाला तार यहाँ पर जा कर के चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा PCB का कनेक्शन किया जाता है।
पीसीबी कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इधर जो टीटी लिखा हुआ है यानी कि जिधर आपको ट्रांसफार्मर का तार जोड़ना है वहाँ पर जोड़ दीजिए, और उसके बाद यहाँ से आप डीसी वाला आउटपुट चेक कर लीजिए। इधर डीसी आउटपुट आ रहा है, समझ लीजिएगा कि हमारा जो पीसीबी है बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पर आप इस प्रीसेट को घुमाने के किसी भी साइड आपने घुमा दिया और आर आर वाला जो पॉइंट है उधर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, यानी डीसी वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो हमारा ये पीसीबी खराब माना जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस सारी चीज़ों को यानी कि इन तीनों प्रकार के पीसीबी का कनेक्शन और इनकी चेकिंग, इनकी कार्यप्रणाली समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपने यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया होगा तो आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिएगा। चले फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।